हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्पेन शोकेस। मैं प्रियंका मुंबई में आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हो रहे MCHI क्रेडाई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2014 में ले आई हूँ। जी हाँ, एक बार फिर MCHI क्रेडाई ने बहुत सारे स्कीम्स और ऑफर्स के साथ ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। येस डेफिनेटली दिस टाइम इट इज गेटिंग बिगर बेटर एंड ईजियर। तो आइए चलते हैं एग्जीबिशन की तरफ और हम बात करेंगे डिग्निटीज से, यहाँ के आए हुए विजिटर से और जानते हैं ऑफर्स स्कीम्स और एग्जीबिशन के पार्टिसिपेंट से। तो आइए चलते हैं। सालों से देखते आ रहे हैं कि एग्जीबिशन में काफ़ी एंथुजियाज्म होती है, एक लाख से ज़्यादा लोग आते हैं और अभी हर साल हमारा बेंचमार्क ऊपर ही चले जा रहा है। तो ये साल वी आर एक्सपेक्टिंग के और काफ़ी लोग आएंगे। गुड बिजनेस। तो इस फेस्टिवल सीजन क्या हमारे विजिटर्स को कुछ नया देखने मिलेगा या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉजिटिव होगा? ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक्चुअली लास्ट एक डेढ़ महीने से अच्छे दिन आने शुरू हो ही गए हैं। एंड इफ यू सी रियली नोटिस इन दिस एग्जीबिशन, हमें स्मॉलर डेवलपर के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट किया है, उन्हें हम लेके आए हैं इसमें एग्जीबिशन में। तो देर आर मोर वेराइटी, मोर चॉइसेस अवेलेबल नाउ टू अपने जो बायर्स हैं उनके लिए काफ़ी वेराइटी। और स्पिन टीवी के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? आइए MCHI क्रेडाई एग्जीबिशन में, अगर आपने नहीं देखा तो यू आर मिसिंग समथिंग। द लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑफ द रियल एस्टेट इज MCHI क्रेडाई एग्जीबिशन इन एशिया। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आप जगह सिलेक्ट करने में कहीं पे मिस कर जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल। तो हमने बात किया विमल जी से जो कि प्रेसिडेंट है MCHI कमेटी के, और चलते हैं आगे और भी लोगों से मुलाकात करते हैं। आइए। जब एक आदमी घर खरीदने आता है ना, उसके चेहरे पे कुछ अलग ही खुशी होती है जो आप कहीं नहीं देख सकते, ना आपके ऑफिस में, ना आपके स्कूल में, ना आपके कॉलेज में, ना आपके रेस्टोरेंट में, ना आपके ट्रेन में, ना आपके बस में। वो खुशी अगर आपको देखनी है तो वो खुशी आप सिर्फ MCHI के एग्जीबिशन में ही देख सकते हो। जो आदमी होप के साथ आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आता है, फैमिली आती है, हस्बैंड आता है, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और उसी को एंजॉय करने के लिए हमें आना है वहाँ पे। और अच्छी अच्छी ऑफर्स क्या है, एक एक लाइफ का ड्रीम बनाना है तो हमें वहाँ आना है MCHI के एग्जीबिशन में। नाइन टू इलेवन मीटिंग्स
a meeting with the Chief Minister, where we had given the presentation about our issues, and he has been kind enough that he had given the patient hearing, and he has been able to even hear a lot of issues. In the last few couple of months, we must have seen that issues, as Nayanba has said, about the rental to affordable housing scheme is announced. Then a lot of issues connected with the development and growth of city, like cluster redevelopment scheme in the city, Island City is also been finalized by him. And then certain issues about the EWS affordable housing, EWS Vika section reservation, that also he has announced. CHA Property Exhibition is looked as a barometer of the industry. Many of the prominent real estate research analysts visit the exhibition to understand the current status of the property market and the real estate industry today. The theme of Mumbai Makes Me Happy is inspired from the spirit of Mumbai and the citizen. The way the Mumbai has evolved over the years through the good and bad times of the Mumbai. This indicates the spirit of Mumbaikers and the positive inclination towards the city of Mumbai. This year's MCHI exhibition, it's official, it's bigger and better. So this year what we have done different is we have created four zones where a buyer who wants to buy a property in central suburbs will directly go to that section, or he wants to buy a property in western, he will go to that section. So it's much more focused this time, because Mumbai's buyers are very much definitive of what they want and where they want their home to be. So it's going to be much more easier this time. MCHI Crai Property 2014 exhibition, bigger, better, easier. Bigger, 3 lakh square feet. Better, it has been divided into very convenient zones for all of you to choose your property from your own location to be to your near and dear one in Mumbai. So this is for Mumbaikar to make Mumbai happy. And easier because we have different aspects of the exhibition which makes the exhibition much easier, right from online to registration to zoning, and some beautiful features within the expo. You experience it when you come to the show. So we welcome all of you to MCHI Property 2014. Well, there are 3-4 reasons why you as a consumer should visit our MCHI Property 2014 event. Number one, we have created a consumer-centric event this time. When you come to the exhibition, you will find the layout has been done in such a way, it is as per your location preference. For example, if you want to buy a property in Island City, from Cuff Parade to Sion or to Matunga, Dadar, Lower Parel, Baikula, you can come into one pavilion and look for properties in that pavilion, which is to your requirement. For example, if you're looking at high net worth properties, they are all bundled in one area where consumer can look for high net worth properties, high end properties. If you're looking at home loan and banking products, we have created a banking street for you. So when you come, you will be able to go to all the banks at one stretch and talk to the bankers and choose from which bank you want to pick up which product. The third reason is, I would say, if you're looking at making a purchase and if you want a value for money deal, I think in these 4 days, all our members are offering massive offers. Like, for example, there are easy payment plans, 10, 80, 10, there are 10, 70, 10, 10. There is low down payment, there is a modular kitchen free, there is a floor rise waiver, there is a rental scheme offerings. So there are multiple offerings which developers are giving you. So when you will come there, you could be saving lakhs and lakhs of rupees by just making one decision in these 4 days. Over and above this, of course, if you are not from Mumbai and if you want to invest in your hometown, it could be Coimbatore, it could be Goa, it could be Pune, it could be Nagpur, it could be Nasik, or any other city for that matter, you will definitely find a home in our exhibition. So I think these are some real good reasons. Of course, you will also find a lot of corporates who are there. For example,
Piramal, Ashok Piramal Group, Peninsula Group is there, Adani Group is there, the JP Group is there, Tata Group is there, Bajaj Group is there. There are many corporate houses also participating this time, which is going to give you a plethora of options to choose from. So I think you will have a good bargain, because you will have a good choice, and we'll make you happy at the event. We are telling government कि आप अगर दो कदम चलते हैं तो हम चार कदम चलने के तैयार हैं, और हमारी भी जो मुश्किलात आती हैं क्लियरेंसेस, बड़ा लंबा चौड़ा एक चक्रव्यूह है जिसे निकलना पड़ता है, अगर आप उसको सही कर दें, या तो वन विंडो सिस्टम करें या एक जो फिक्स डेट होता है कि हम 30 दिन में 60 दिन के अंदर सारे क्लियरेंसेस जो है करके आपको देंगे, देन इट वुड बी रियली पॉसिबल। और अगर दोनों स्टेक होल्डर्स, लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए नियत हो, कुवत हो, ताकत हो, तो उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट में हमारा विश्वास रहा, मैंने 40 साल गवर्नमेंट में काम किया है, कि अगर गवर्नमेंट सही ढंग से विश्वास के साथ आगे बढ़ती है कि हमको ये काम करके देना है, तो नोबडी कैन स्टॉप इट। और अब गवर्नमेंट, डेवलपर्स, MCHI, क्रेडाए, SLL पे सभी का ये विश्वास है कि ये पॉसिबल है अगर उसको प्रोसीजरल चीज़ें कर लें। और मैं हमेशा से एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि प्रोसेसेस शुड नॉट डिस्ट्रॉय और किल द पॉलिसी। जो विजन हमारा, जो पर्पस है, पर्पस को किल नहीं करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर हम सिस्टमेटिक, आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल में बहुत सारी क्लियरेंसेज अभी क्विक हो रही हैं, ऑनलाइन भी आ रही हैं, एक कमिटी बैठाई है पिछले हमारे पुराने कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में श्री सुब्रमण्यम साहब के, कि जितने एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, उसको फिर से एक नज़र की जाए, उसके ऊपर कहाँ रुकावट आती है, क्योंकि हमको दोनों को साथ लेके चलना है, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों को साथ चलना है, एक दूसरे से मिल करके बैलेंस में, कोई एक दूसरे को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो वी वॉन्ट टू डू इट, इट कैन बी डन एंड इट विल बी डन। Inauguration of property 2014 by MCHI Credai has just happened today. Today is day one of the event. Aaj is exhibition ka pehla din hai.